ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो, एक्सीडेंट हो गया सुबह सुबह की बात है। 30 दिसंबर की सुबह क्रिकेटर ऋषभ पंत का उत्तराखंड के रुड़की में बुरी तरह रोड एक्सीडेंट हो गया। ऋषभ पंत रुड़की के पास एक हाईवे से गुजर रहे थे, वो अपनी मर्सिडीज गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गई, जिसमें ऋषभ बुरी तरह जख्मी हुए हैं। ऋषभ पंत से आई तमाम खबरों के बीच एक वीडियो सामने आया है, जो घटना के तुरंत बाद का है। स्थानीय लोगों ने यह वीडियो बनाया। वीडियो में एक व्यक्ति ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि देखिए, यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में एक गाड़ी पूरी तरह पलट गई है और पलटने के बाद गाड़ी में आग लग गई है। इसी बीच वीडियो बनाते हुए जब वो व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के पास पहुँचता है, तो उस व्यक्ति के पास खड़े 2-3 लोग तेजी से कहते हैं कि अरे, ये खिलाड़ी है ऋषभ पंत। सुबह की बात है। स्थानीय लोगों की इसी बात से इसकी पुष्टि हो रही है कि ये वीडियो ऋषभ पंत की गाड़ी का है, जब उनका रोड एक्सीडेंट हुआ उस समय का है। बता दें कि ऋषभ पंत रुड़की के पास एक हाईवे से जा रहे थे, यहीं पर उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में थी। कथित तौर पर ऋषभ पंत को गाड़ी चलाते हुए झपकी आ गई। ये घटना 30 दिसंबर के तड़के 5 बजे की है। इस बीच गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, पलट गई और पलटने के बाद गाड़ी ने आग पकड़ ली। जैसे तैसे ऋषभ पंत गाड़ी से बाहर निकले, स्थानीय लोगों ने उनकी मदद की, उनको रोड के किनारे लिटाया, लेकिन तब तक वो बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कार पूरी तरह आग का गोला बन चुकी थी, पूरी कार उनकी जलकर राख हो चुकी है। ऋषभ पंत को सिर पे चोट आई है, उनके पीठ पर काफ़ी चोट आई है, उनके पैर में चोट आई है, पैर में फ्रैक्चर होने की भी जानकारी सामने आ रही है। हादसे के बाद ऋषभ पंत को रुड़की के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इस हॉस्पिटल से देहरादून शिफ्ट किया गया। देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना है कि ऋषभ खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत स्थिर है, हालांकि इलाज अभी जारी है। लेकिन इन सारी बातों के बीच घटना के तुरंत बाद का ये जो वीडियो सामने आया है, जिसमें ऋषभ पंत एक सड़क के किनारे लेटे हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग उनके आसपास खड़े हैं, उनको राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, और एक स्थानीय व्यक्ति ही इस पूरी घटना का वीडियो बना रहा है। ये वीडियो पर्याप्त है ये बताने के लिए कि यह हादसा कितना भीषण था। हालांकि इन सारी बातों के बीच ऋषभ पंत का इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में जारी है, और डॉक्टरों का कहना है कि ऋषभ फिलहाल खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत ठीक है, उनका इलाज जारी है, हालांकि उनकी चोटें गंभीर हैं। और इसलिए ये बात क्रिकेट फैंस के लिए भी, उनके परिवार के लिए, सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाली है कि ऋषभ पंत कब पूरी तरह ठीक होकर वापसी कर पाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।